हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू निंजा मस्ट आई एपिसोड 9। तो आज के एपिसोड में हम जो है चैप्टर 4 को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल मैं चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ लॉगिन करते साथ ही। मुझे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं और लॉगिन रिवार्ड्स भी इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शुरू से बैटल के अंदर। यहाँ पे 5 हैमर मिल चुके हैं हमें, तो लाइक का गोल भी साथ ही रख देते हैं। 30 लाइक्स का गोल है आज, और मुझे पता है अभी ये गोल नहीं हो रहे पूरे सारे, लेकिन फ्यूचर में आई होप सो के हो जाएंगे। अभी तो व्यूज भी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जब व्यूज आएंगे तो लाइक्स भी खुद ही आ जाएंगे। हम बन चुके हैं सीनियर निंजा लेवल 3, और इसके आगे भी कुछ टीयर्स हैं तो हम उसमें भी बढ़ेंगे। अभी 80 पॉइंट्स हमें चाहिए, जिनमें से हमें कुछ मिल चुके हैं। फिलहाल 65 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब कि 15 पॉइंट्स हर बार रह ही जाते हैं। फिर से 15 पॉइंट रह गए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स की स्टोरी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नया आया हुआ है, न्यू ईयर्स के कुछ रिवॉर्ड्स अभी तक मिल रहे हैं। हालांकि न्यू ईयर्स को अभी कुछ दिन हो चुके हैं। ये रिवॉर्ड नीचे वाले मैंने क्लेम ही नहीं किए थे, तो ये सारे क्लेम करते हैं, ये हमें हमारी जर्नी में काम आएंगे। तो ये गेम की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं न्यू ईयर के, और ये फ्रेंड्स की तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारी देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है हमारी, ये मुझे डालने पड़े ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत थी एक दो मिशंस करने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने किए भी थे। और निकोला ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा आया हुआ है, तो चलो डाल देते हैं इसको भी अंदर। ये ऑनलाइन भी हम खेल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस में। तो गेम ऑनलाइन भी चलती है। तो क्रिएटिंग में जाके यहाँ पे ये गया सपोर्ट निंजा ऑब्टेंड यूरो ग्रीन फेस इज़ द टारगेट दिस टाइम, बी वेयर ऑफ इट्स पॉइजनस स्प्रे। ओके, तो यहाँ पे कुछ 40 हमें मिले हैं, चीज़ें मिली हैं। और ग्रीन फेस, रेड फेस की तो हमने हरा दिया था, अब ग्रीन फेस भी कोई आ चुकी है चीज़। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, हैमर और कुछ कॉइन्स मिले हैं। यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है, हर रोज़ लॉगिन करने के ऊपर ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप इनसे हम अपग्रेडेशंस कर सकते हैं बहुत सारी, इससे गेम आसान हो जाती है। अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले कुछ लेवल से मैं इजीली एक ही उसमें गो में हरा देता हूँ एनिमीज को। उसकी वजह यही है कि मैं कुछ अपग्रेडेशंस कर लेता हूँ मैच शुरू करने से पहले, तो उस वजह से आसानी हो जाती है। लेकिन अब भी वैसे आ रहे हैं बहुत मुश्किल। ये पिछला जो लेवल मैंने अभी किया था, पिछला स्टेज क्लियर, उसमें मुझे कोई 3 टाइम उनको जो फाइट करनी पड़ी, फिर जाके मैंने हराया उसको। और यहाँ पे शेडो ब्लड एक एनिमी है, ड्रैगन को भी दे देते हैं भाई, जो पेट्रोलिंग चाहता है जो भी करता है। ओके, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह आप मटन दे के अपग्रेड कर सकते हैं, 3 मटन दे सकते हैं और ये दे सकते हैं। अच्छा, एक कोई चीज़ दे सकते, ठीक है दे देते हैं, इससे थोड़ी सी उसकी लेवल अप हो जाती है। यहाँ पे लेवल अप करने के लिए अब 3 चाहिए, पहले 2 चाहिए होते थे, अभी एक इसकी ड्रैगन का जो ये चीज़ है चाहिए। अभी नोविस में चलते हैं, नोविस में क्या रह गया भाई। यहाँ पे कोर्स में मैं कुछ छोड़ के आ गया हूँ, अच्छा डे 5 का मैं छोड़ के आ गया हूँ, ठीक है, और कुछ रह तो नहीं है इधर। अब चैट में और कहाँ पे विश, मेरे ख्याल से एक आई है, हमें चाबी मिली थी, विश कर लेते हैं। हम जेड से भी विश कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही विश करूँ, फ्री में विश करने से रेयर आइटम मिल चुका है भाई, स्लेज हैमर। अच्छा, ये वो KGF वाला बड़ा हैमर मिल चुका है हमें। अभी भी 3 विशेस बाकी हैं आज की, तो दूसरी विश, 4 विशेस टोटल हम कर सकते हैं। एक और हैमर मिला है, स्लेज हैमर, रेयर आइटम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब आसानी होगी और भी लेवल अप करने में। अच्छा, एक और आइस बो मिली है रेयर, इसको हम पिछली वाली में मर्ज कर देंगे।
ये लास्ट विश। ये जैसे जैसे चाबियां मिलती हैं तो उससे हम विश कर सकते हैं। रेयर आइस ग्रिड स्वॉट। ओके, ये मेरे ख्याल से वही स्वॉट है जिसमें क्रिस्टल बनते हैं और हम एनिमी के आगे रख के उससे कर सकते हैं। शॉप में फ़िलहाल चलते हैं, आज स्पेशल आइटम में जाके। शॉप अभी लोड ही नहीं हुई है। शॉप मेरे ख्याल से ऑनलाइन लोड होती है तो थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके गाइस, तो हम शॉप में आ चुके हैं। आज मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से लोडिंग में मसला आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मसले मसाइल तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो मिस्ट्री शॉप में चलते हैं। तो मुझे चाहिए थी यहाँ से वो अपने लिए वो जो आइटम्स हैं अपग्रेड करने के लिए, लेवल अप करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे आज हमें, लेकिन आज ये मिल रहे हैं। तो ये तीन ले सकते हैं हम, इनकी लिमिट होती है। अच्छा, ये वाला विंड स्टोन है और ये भी विंड स्टोन है, ये पता नहीं क्या चक्कर है। आज हम 6 ले सकते हैं, तो ठीक है ये ले लेते हैं। और ये रैंडम आइटम बहुत महंगा है तो ये नहीं ले सकते हम। और क्या ले सकते हैं, बस चलते हैं वापस पीछे। अब हम अपनी वेपन्स की तरफ चलते हैं और थोड़े से अपग्रेडेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 मुझे मिली थी, बो मिली थी, ये वाली सेम बो है, तो इनको मैं आपस में मर्ज कर देता हूँ ताकि लेवल इनका अप हो जाए। लेवल 4 तक चली गई है। और अब आगे हमें कुछ शॉर्ट्स मिली थी, ये 2 हैमर हैं, इनको भी मैं आपस में मर्ज कर देता हूँ। ये यहाँ पे कौन सा, ये वाला था, तो ये मैंने मर्ज कर दिया। इसको भी लेवल 4 कर दिया मैंने। और क्या रह गया, ये बैम्बू की ये जो है, इसका लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम आती है अपने ड्रैगन को बुलाने में। और ओके, तो अब इसके बाद मेरी जो मेन चीज़ें रेयर चीज़ें ऊपर हैं, तो इसको मैंने लेवल 31 तक किया हुआ है, लेवल 37 तक किया हुआ है, तो 60 लेवल 60 तक हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग बो है तो इस पर लाइटनिंग के सारे जितने भी हैमर्स हैं वो सारे मार देते हैं। और अब ये लेवल 39 हो गई है, लेकिन लेवल 40 हो जाएगी तो अच्छा होगा। ये सारे हैमर इसी पे यूज़ कर दे रहे हैं, वैसे भी इनका कोई और यूज़ हम नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। स्वॉर्ड के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन स्वॉर्ड हमारी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। और ये जो बड़े हैमर हैं वो अगर मैं मर्ज कर दूँ अपनी स्वॉर्ड के अंदर, चलो वो बाद में हम कर लेंगे, फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं। फिर से नॉविस में कुछ आ गया, अपग्रेड करने का भी कोई मिशन होता है तो उसमें भी आ जाती हैं चीज़ें। तो 3 हैमर हमें ये मिल गए और अब ये भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये वाली मैं यूज़ करना चाहूँगा स्वॉर्ड पे, मेरी स्वॉर्ड कौन सी वाली अच्छी वाली है, लेवल 15 है सारी की सारी स्वॉर्ड। ये वाली स्वॉर्ड जो है ब्लेज ब्लेड, ये बहुत मेरे ख्याल से काम आती है हमारे, तो इसको यूज़ कर लेते हैं लेवल 18। और कुछ रह गया यहाँ पे, बस हो गया। विश मेरे ख्याल से कुछ एक और मिली है हमें, अच्छा डेली की फ्री विश मिलती है, वो वाली एक रह गई है, हो गई है कंफर्म, हो गया भाई। अब चलते हैं वापस। अब मेरे ख्याल से मुझे अपने करेक्टर के ऊपर टैलेंट हम बढ़ा सकते हैं इसका। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कौन सा बढ़ाएं हम इसका टैलेंट। ये वाला एक लास्ट इस का रह गया, तो ये हम बढ़ा देते हैं। अब हम बाकी के बढ़ा सकते हैं, इसके 20 का अटैक बढ़ जाएगा, अटैक बढ़ेगा तो एनिमी पे डैमेज भी बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। तो ये बाकी ये चीज़ें अब रह गई हैं, लेवल 50 से ऊपर की चीज़ें अब रह गई हैं, लेकिन ये मेरे पास 2 रह गए हैं, तो ये हम बाद में कर लेंगे। ये गया व्यू निंजा सोर्स, यहाँ पे कुछ मिला है, अच्छा योरा, योरा भी हमारी निंजा है, इसके कुछ पर्क्स अनलॉक हुए हैं, वो भी हम 40 ये दे के कर लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन ये वाला इसका क्या नाम था, एरन फ्लेट, इसका कोई भी अनलॉक नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं क्या चक्कर है, इसका अनलॉक क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसका अनलॉक हो गया, चलो ठीक है जो भी है। सपोर्ट स्किल्स और क्या, हम लेवल अप कर सकते हैं, तो लेवल 50 फुल हो गया भाई। अब
जब तक अगला लेवल नहीं हो सकता ना, न्यू अचीवमेंट भी अनलॉक हो गई है और उसी के साथ और ज़्यादा हमें मिल गए हैं भाई, इनाम वगैरह जो भी है ये फिर से हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब हर बार जो भी अचीवमेंट होगी, कुछ भी होगा, तो कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिलता है। और ये अचीवमेंट मिली है हमें, चाहिए सारी अचीवमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट हमने कर ली हैं, 6 पॉइंट्स भी ऊपर लिखे हुआ रहे हैं। पता नहीं ये इतनी बड़ी गेम है, ये इसमें बहुत कुछ है। बैटल पास के अंदर भी कुछ अपग्रेडेशंस हुई हैं, ये 2 चीज़ें और निकली हैं, कुछ कॉइन्स मिले हैं। और ये चीज़ मिली है ड्रैगन ब्लड्स, ड्रैगन्स ब्लड। ओके, अब चलते हैं सीधे अपनी मेन स्टोरी के ऊपर। तो चैप्टर 4 चल रहा था, चैप्टर 4 का 6th स्टेज चल रहा है, और ट्रेल ऑफ थंडर, यू फाइनली फाउंड गॉड ऑफ थंडर, नाउ टेक हिज ट्रायल। ओके, गॉड ऑफ थंडर को अब हराना पड़ेगा इस स्टेज में। तो स्टेज 4 के इसके चैप्टर 4 के स्टेज 2 में हमने अपना एक और करेक्टर भी अनलॉक किया था, उसको भी अपग्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल गॉड ऑफ थंडर से हमारा मुकाबला चल रहा है। This is the inner sanctum of the temple. I'll go awaken the god of thunder. God of thunder! God of thunder! बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही हैं। ओह, और पांडा के ऊपर बिजली गिरी है। Who goes there? God of thunder मेरे ख्याल से अभी आने वाला है हमारे सामने। God of thunder, do you still remember me? It's me, Pandata. Of course, my little panda. What appetizing treats have you brought me this time? God of thunder, Bamboo Village is surrounded by samurai. Okay. Please help us, or we won't be able to. God of thunder, ninja ka hi apna aadmi hai. Acha. Insolence. How dare such lowly samurai antagonize my subjects? I shall have the Thunder Dragon take care of them. अच्छा, तो इससे फाइट नहीं करनी है अभी। Thunder Dragon is my pet, but it has something of a temper. Whether or not it can be handled is entirely up to you. Okay. बिजलियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, और अब हमें, अच्छा तो ये कोई नया ड्रैगन आया है, थंडर ड्रैगन है, बिजलियाँ गिराएगा, तो इससे हमें बचने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से बिजलियाँ गिराता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ओके, तो इसको हराने के लिए ये वाले पॉइंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे मुझे। के तो नीचे भी मार सकता है ये, तो इससे कैसे बचेंगे। अच्छा, तो ये वाला मैंने मिस कर दिया एक, और बिजलियाँ बहुत ही, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे देखा जाए तो। ओके, मैं यहाँ पे अपनी मैंने पावर यूज़ कर लिया है थोड़ी सी, लेकिन ये फिर से अपनी बिजलियाँ गिराना शुरू हो गया है। अब दो दो गिरा रहा है, पता नहीं। होए होए होए। तेरी पावर आधी रह गई है, और इसको 2 बार हराना पड़ेगा फिर जाके ये। होए होए, मेरी तो इसने हालत ख़राब कर दी है। 3, 2, 1 यार, चलो कोई नहीं, स्विच करते हैं। ओए, हम आगे की तरफ मार सकते हैं, और वो पीछे की तरफ से आया हुआ है, और शील्ड भी टूट चुकी है हमारी। ओए, इसकी भी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है। ओए ओए, ये जो बॉल बन जाता है ना यार, ये बहुत मुश्किल कर देता है काम। तो टच फिर भी हो ही जाता है यार, है
यार बस थोड़ा सा रह गया था, तो आधा मैंने बस सरा दिया था, उसकी आधी एचपी कर दी थी। कोई बात नहीं, ट्राई अगेन करते हैं। इसकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। स्किप। इसको हराना वैसे मुश्किल है। अब जाके मुझे लग रहा है कि स्टेज थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। ये आ चुका है यहाँ पे ड्रैगन हमारा, दोबारा से बिजलियाँ गिराएगा बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे बस नीचे होना था। के जहाँ से बचना है मैं वहीं जा रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्यों। टच हो ही गया फिर भी। के उसकी मैंने हेल्थ आधी कर दी है, उसने भी मेरी हेल्थ तकरीबन ख़त्म ही कर दी है। यार ये ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, वरना कैसे बचे। तो बिजलियाँ बहुत ज़्यादा बिजलियाँ फेंक रहा है, कोई बचने का रास्ता ही नहीं छोड़ता। ये वाली भेजे ना तो फिर भी बंदा जंप करके बच लेता, लेकिन ये वाली मैं कह रहा था कि मैं जिधर भी जाऊँ बिजलियाँ आती हैं ज़रूर। यार बिजली के साथ ही नीचे गिर गया, बस पावर आई थी मेरे पास इस बार 30%, इस बार तो आगे से भी ज़्यादा कम मैंने इसको मारा है। This is the inner. ओके, तो सबसे पहले मैं अपने निंजा को थोड़ा सा टैलेंट, इस दूसरे वाले निंजा को जब बुलाना पड़ जाता है तो उसका टैलेंट जो है यहाँ पे नहीं, मैं अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इसकी भी वो नहीं है टूल्स वगैरह। और सबसे पावरफुल हमारा निंजा ये वाला है सोगा, और सोगा को हम अभी नहीं बुला सकते। एक कुरू जो है ये एंट्री लेवल का है, पर इसको बढ़ाने के लिए लेवल वगैरह इसके मैक्स करने पड़ेंगे। स्किन सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या पर्क्स वगैरह, पर्क्स वगैरह में सारे मेरे लॉक हैं, तो ये अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फायर कमेंडिंग अटैक 80 व्हेन यूजिंग अ फायर एलिमेंट मैन वेपन। ओके, मैन वेपन यूज़ करते वक्त अटैक करना पड़ेगा 80 का, तो क्या किया जाए इसको हराने के लिए। कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन तो ज़रूरी करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे कुछ, ओके यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। हो सकता है हम शॉप से कुछ बाय कर सकें ऐसा जो हमें मदद दे इसको हराने में। स्किल्स वगैरह जेड से मिलती हैं जो चीज़ें, ये चीज़ ड्रैगन ब्लड हम खरीद सकते हैं, इससे पता नहीं क्या होगा। और ये कुछ है मीट है, हैमर है। अपने हैमर से हम अपने वेपन का जो डैमेज है वो बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। आप रेलिक में हमें एक चीज़ मिली है, ओके तो मैं वेपन का थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ किसी तरीके से। ओके
लेवल 44 हो चुका है। इसके अंदर ये मीट वाला भी डाल देते हैं, हो गया। इसके अंदर ये भी डाल देते हैं और इसके अंदर ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। और ये हैमर्स मैंने बनाए हुए हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। लेवल 49 हो चुका है, ये भी इसके अंदर डाल देता हूँ। और क्या बचा हुआ है, ये वाले कुछ हैं, चाहिए उसको खिलाने के लिए ड्रैगन को। ओके, अब मैंने इसका लेवल अप कर दिया थोड़ा सा। अब चल के देखते हैं चैप्टर के अंदर, कुछ चाबी मिल रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है वैसे, डैमेज अगर मेरे पास हो, अच्छा डैमेज हो, तो मैं इसको हरा सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। स्किप। और इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इसके पास है ऐसा अटैक कि वो पूरी जगह कवर कर लेता है। पहले वाले अटैक से बचने का तरीका तो मुझे आ गया। लेकिन बाकी के अटैक से बचने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, इससे बचने का एक तरीका है, बस टाइमिंग। हाँ, अब मैं समझ गया। जितना हम डैमेज कम लेंगे शुरू में, उतने ही आगे चल के ये हमारे काम आएगा कि ये पास आ गया। अब दो बार इसको बस और हराना है। ओए, ये वाला जो अटैक है ना इसका, इससे मैं किसी तरह नहीं बच सकता यार। जल्दबाजी में ठहर जा, इसको थोड़ा सा। अब ये पीछे आ गया, इसको पता चल गया कि इसका अटैक सिर्फ आगे की तरफ जाता है, तो ये पीछे आ गया थोड़ा सा। ओके, काफी डैमेज दे दिया इसने। थ्री टू वन, और ये आगे की तरफ मार सकते हैं यार, मैं बिल्कुल गया। हेल्थ फिर से कम हो गई है यार। ये इसका जो थंडर वाला है, ये पता नहीं कब आएगा यार। जस्ट टच हो गया थोड़ा सा, फिर से आधा मैंने हराया। मुझे लगता है मुझे कोई बाउंटी वाले मिशंस वगैरह करके इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसका डैमेज कम हो गया है अचानक से, पता नहीं कैसे। अभी तो हम इनको बहुत ही बुरी तरह पीट रहे थे, लेकिन अब जाके ये हमें पीट रहे हैं। तो जितना भी हमसे हो सकता है, हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं। कहीं तो मैं कुछ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कोई मिस हो रही हैं चीज़ें, इसकी वजह से डैमेज वगैरह कम हो रहा है। का लेवल 60 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। अटैक, अटैक बढ़ाना पड़ेगा इनका। 51 हो गया। और कौन कौन सी वेपन्स हैं? अच्छा, तो ये वेपन्स हम इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। ये मैंने उनके अंदर ऐसे ही एक गलती से एक वाली मर्ज कर दी है, पता नहीं वो करनी थी कि नहीं। वेपन लिमिट ब्रेक फीचर, लेजेंडरी वेपन हैज़ अ यूनिक वेपन लिमिट ब्रेक फीचर। ओके, एंड लेजेंडरी वेपन कैन यूज़ अनदर आइडेंटिकल वेपन एज मटेरियल टू अपग्रेड इट्स लेवल एंड इम्पार्ट इट विद न्यू इफेक्ट्स। So be sure to keep any identical legendary weapon you come across. Okay, legendary. ये क्या, deal damage to all
bosses and have a chance to rob skewers maximum level 2. ओके ये भी कुछ है. वेपन लॉक अनलॉक टैब टू इक्विप. अच्छा ये हम वेपन यहाँ से इक्विप कर सकते हैं. तो ये मैंने इक्विप की हुई है लेकिन सॉर्ड लेवल 2 की ये वाली सॉर्ड जो है इस बार ये इक्विप करते हैं इसकी जगह पे. और इसकी जगह पे इसका तो लेवल इतना कम है, इसकी जगह पे मुझे कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके तो मैं कोई अच्छी अच्छी नई वेपन जो है मेरे पास हैं वो मैं कर लेता हूँ. ये तो लेवल 52 है इसका और यह है लेवल 17 और इसका है लेवल 15. इसका लेवल है 15, इसका लेवल है 18. ये 15 वाली जो है मैं इसके हाथ में दे देता हूँ और 18 वाली इसके हाथ में दे देता हूँ. अब देखते हैं, मुझे लगता है मुझे एक बाउंटी मिशन या कोई रेस मूड कर लेते हैं. एक रेस मूड करना चाहिए. इससे थोड़ा सा हमें अपग्रेड करने में आसानी रहेगी. के आ चुके हैं हम मैच के अंदर. सारे कॉइन्स मैं एक साथ नहीं ले सकता. इस बार तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही अटैक्स हो रहे हैं. ये दूसरा निंजा, और ये स्पीड मेरी बढ़ चुकी है. कि मैं आग के गोले की तरह आगे बढ़ाऊं. ओके और अब मैं ड्रैगन को बुला लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है. और मैंने ड्रैगन को ले लिया है. अब ड्रैगन के ऊपर चढ़ के हम हमला करेंगे. पता नहीं इनसे बचना होता है कि इनको मारना होता है, पता नहीं. Okay, तो इस पावर के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ तेजी से. वार्निंग, यहाँ पे कोई बड़ा बॉस आ चुका है. अच्छा तो अभी हमें ड्रैगन के साथ ही मुकाबला करना पड़ेगा. और मैं ड्रैगन को बुला लिया है यहाँ पे और ड्रैगन के साथ ही हम ड्रैगन का मुकाबला करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा ड्रैगन जो है वो काफ़ी पावरफुल हो चुका है. एक ही फटका लगा उसको. रिन पियो टो जा हाइजिन रित्सु ज़ाई सेन. यस ओके, शील्ड आ चुकी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. ये ड्रैगन ने काफी हेल्प की है हमारी. ये मेरे ख्याल से इनको हमें कलेक्ट ही करना होता है क्योंकि स्कोर सा बना हुआ आता है इसके ऊपर. इसी के साथ ही मैं अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करता हूँ. जितना ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं करते हैं. ओके
काफी जबरदस्त तूफानी सी पावर है इसके पास, हमारे वाले निंजा के पास। हमने एक को हरा दिया, उसकी मुंडी उतार दी, दूसरे की मुंडी उतार दी, सबकी मुंडी उतारी जा रही है यहाँ पे। तीर की बरसात होना शुरू हो गया। इस बार तो हमने काफी निंजास को हराया। ओए ओए, इस बार तो अचानक से आ रहे। एक बार निंजास आ रहे हैं और एक बार ये आ रहे हैं। ओके, फिर से मेरे ख्याल से कोई बॉस आने वाला है यहाँ पे। थ्री टू वन, मेरी पावर फिर से आने वाली है। और यहाँ पे मेरे ड्रैगन की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ड्रैगन को बुला ली है। पर कोई बात नहीं, निंजा स्वाइप कर लेते हैं। ड्रैगन हमारा लेके हमें उड़ चुका है 3000 मीटर्स के ऊपर। हमें इन बैट्स को मारना है। ये रेस का मिशन भी काफी लंबा होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इससे पॉइंट्स वगैरह जितने भी मिलते हैं उनसे हम चीजें बाय कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा से स्पाइडर्स आ गए। फिलहाल मैंने पावर के ऊपर रखा हुआ था बटन, लेकिन अब हम पावर को छोड़ने वाले हैं के ऊपर। इसी के साथ दूसरी पावर भी आने वाली है हमारी। ओके, 3, 2, 1। और निंजास की मुंडी उतारी जा रही है। Feel the fury of the lightning. Fury of the lightning. इसके पीछे हम लाइट छोड़ने वाले हैं बस। इसको टच होने बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसने मिस वो कर दिया यार इसको। ओके, तो यार ये मिस हो गया। बच गया मैं, बच गया। इसकी बस थोड़ी सी हेल्थ रह गई है। Power of Thunder God! ये बिजली से बच जाता है, पता नहीं कैसे। इस बार नहीं बचेगा। मुंडी उतार दी उसकी। इसके साथ ही मैंने डिफीट कर दिया, सारे सिक्के अपने हो गए। ये वाला बॉक्स मुझे चाहिए, बस ये जंप करके ले लेते हैं। यार मारी गया वो। I'll handle it. Okay, मेरे पास रिवाइव करने वाली पावर है, तो मैं अब यूज कर सकता हूँ। बहुत जरूरत थी। सही टाइम पे मैंने ड्रैगन को बुला लिया, वरना वो एरोज आने वाले थे हर तरफ से। ओके, ये वाला मिशन कुछ ज़्यादा ही लंबा है। दोबारा से नीचे आ चुके हैं हम। फायर रिलीज। शायद मैंने जल्दी यूज कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। 4, 3, 2, 1। अब हम ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आगे तूफान भेज दिए। ओके, उस पावर की वजह से मैं बच गया हूँ। ओके, काफी तगड़ा वाला स्पीड पकड़ा इसने। अरे, इनसे बचना बहुत
क्या फिर से एक और बार रिवाइव कर सकता हूँ मैं, देखते हैं। नहीं ए ओके, ए कैटेगरी में आ गया हूँ। मेरे पास अभी कुछ मिला है। नंबर 10 पे आ चुके हैं हम सीधे नंबर 15 से, तो टॉप 5 टॉप 10 में तो आ चुके हैं। पहली बार मैंने खेला था तो मैं टॉप 5 में आया था। अब क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है तो फिर भी मैं टॉप 10 के अंदर ही हूँ। ओके गुड, और देखते हैं हम क्या क्या ले सकते हैं, कुछ कॉइन्स वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है वापस चलते हैं। अभी अब देखते हैं हम कौन कौन सी अपग्रेडेशंस कर सकते हैं अपने इसके साथ। तो हैमर और क्या है ये क्विक क्लेम कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। ये कुछ मिला है, लेवल 5 भी मिलेगा, अभी लेवल 2 है कि लेवल बढ़ ही नहीं रहा। क्लेम एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स, एक और बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है। सबसे लंबा स्कोर किया हमने रेस के अंदर इसलिए। और यहाँ पे क्या है क्वार्ट्स के अंदर, क्वेस्ट के अंदर डे 4 का क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे बैकपैक के अंदर कोई नई चीज़ आई है। अच्छा इससे मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही कर सकता हूँ, तो ये वाला करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये वाले 3 हो चुके हैं, ये वाले 11 हो चुके हैं। इनका यूज़ देखते हैं क्या है। इनका यूज़ यहाँ पे कहीं पे टैलेंट के अंदर मुझे लगता है इनका कोई यूज़ है। लेवल 40 निंजा मैक्सिमम लेवल अपग्रेड टू 40। लेवल 50 हो चुका है, लेवल 60 को लॉक्ड है, नीड टू अनलॉक 20 टैलेंट्स। ओके तो 16 टैलेंट हो गए, तो 4 और टैलेंट्स होंगे तो हम लेवल 60 को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो ये लेवल करने के लिए तो ये चाहिए 25 25। अब बढ़ी है इनकी डिमांड, 25 25 पे चली गई। और ये भी हमारा मैक्स है इसका टैलेंट वगैरह कुछ अपग्रेड करने के लिए भी 15 15 चाहिए। तो अभी फ़िलहाल निंजा के अंदर कुछ आया है यहाँ पे 10 पॉइंट्स। अभी सिर्फ 5 पॉइंट रह गए हैं अगले टीयर तक जाने के लिए, और अगला टीयर पता नहीं कौन सा होगा। अच्छा पेट्रोल करना रह गया, एक बार और हम पेट्रोल कर देते हैं इसको, ड्रैगन को पेट्रोल एंड्स इन। यार इसको अब 1.5 घंटे के अंदर पेट्रोल कर सकते हैं। विश, कोई विश हमारे पास है अभी फ़िलहाल? ये एक विश है। ओके तो रेयर विंड फैन एक मिला है। मुझे अपने करेक्टर को अपग्रेड करना है लेकिन मुझे ये फैन मिल रहे हैं। शॉप के अंदर स्पेशल आइटम बाय कर सकते हैं यहाँ से, मिस्ट्री आइटम। एक बार बाउंटी वाला कर लेते हैं। बाउंटी के अंदर नो बाउंटीज ऑब्टेन येट,
बाउंटी शॉप, एक बाउंटी मिल गई है, आप इसको कर लेते हैं। और एक बंदा है, केस इनविटेशन सेंड कर दिया मैंने इन बैटल, एक बंदा बैटल में है और बाकी ऑफलाइन है। यार ये ऑनलाइन का यही चक्कर होता है, किसी भी गेम में जाता हूँ तो जितने भी फ्रेंड्स ऐड होते हैं वो सारे जब मैं ऑनलाइन आता हूँ वो ऑफलाइन होते हैं, और जब मैं ऑफलाइन होता हूँ वो खेल के चले भी जाते हैं। तो इनका ये प्रॉब्लम है। ऐड करते हैं, इनविटेशन सेंड कर तो दिया है लेकिन वो बंदा आ नहीं रहा, तो उसके बगैर मेरे ख्याल से नहीं होगा ये बाउंटी वाला। कम से कम दो चाहिए बाउंटी वाला मिशन करने के लिए, तो थोड़ी देर में उसको और देखता हूँ फिर क्या ही कर सकते हैं अभी। आ नहीं रहा बंदा तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब चलते हैं वापस। ये लिमिटेड इवेंट है कोई, मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं और दोबारा से ट्राई करते हैं और कर भी क्या सकते हैं अभी। क्वेस्ट वेपन लेवल 35। क्वेस्ट, ये क्वेस्ट करने के लिए वेपन का लेवल चाहिए 35। हमें कुछ क्लू तो दे रहा है वैसे, लेकिन 35 मेरी ऐसी कौन सी वेपन है जिसका 35 लेवल है? 52 लेवल तो इसी का है। मैन वेपन की जगह इसी को इक्विप करते हैं, इसको थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। थंडर और ये वाली दो स्वॉर्ड जो हैं वो आपस में मर्ज कर देते हैं। ओके, तो अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। लेवल 52 का वेपन मेरे पास आ चुका है। ओके, लेट्स गो। अच्छा, ये लेवल की रिक्वायरमेंट भी बता देता है, अगर लेवल की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही तो फिर वो लेवल स्टार्ट ही नहीं होगा, जैसा कि टीयर और वेपन का जो है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा हर सूरत। ओके, तो अभी बिजलियां गिरने वाली हैं, इससे तो मैं बच गया, लेकिन अगले जो हैं इसकी 3 गुना हेल्थ है, इसीलिए मैं अभी तक इसको हरा नहीं पाया। 3 गुना हेल्थ वाला पहला मॉब है जो हमारे पास अभी आया है और मिटक रहा है। 3, 2, 1, मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा मारता हूँ, थोड़ा सा तो भी पता चला कि हमारे पास भी है कुछ वेपन वगैरह। ओए होए, ये वाले बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं, एक पीछे से आता है एक आगे से आता है। अच्छा, अब ये गोला बनेगा ना? नहीं, अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। ओके, बर्न सोल ऑफ निंजा, ड्रैगन गन फायर मारते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। होय होय होय, ओके ओके, आग मार दिया हमने, तूफान का छोड़ दिया एक सौदा, बिजलियाँ गिरा रहा है डरपोक। हाँ, 1 गुना रह गया ना उसकी, इसलिए वो डर रहा है। थोड़ा सा रह गया बस, इसको थोड़ा सा रह गया इस बार। ये हो गया फाइनली, यार यकीन नहीं आता यार, इस बार जल्दी कर दिया मैंने।
आई होप सो कि ये टाइम हो गया होगा। ओह पांडा नीचे गिर गया, लेकिन ये टाइम हो गया, मुझे लगता है वो पांडा को बचा लेगा। हाँ इसको मार गया मैंने, टाइम कर लिया। इसी के साथ हमारे पास दूसरा पेट आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, और गॉड ऑफ थंडर भी आ चुका है। गॉड ऑफ थंडर अपना शेप अपना चेहरा नहीं दिखाता। इंट्रोवर्ट के अब हमें इसे लेके जाना है और अपना विलेज जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो अभी मेरे ख्याल से हमारे पास दो ड्रैगन हो चुके हैं या दो पैट अनलॉक हो चुके हैं, इसी के साथ हमें की मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टेज को अनलॉक कर लेते हैं और बैटल फील्ड का है नेक्स्ट सेवेंथ स्टेज। लेकिन मैं अपने पैट्स में जाके देख लेता हूँ एक बार कि हमारे पास नया पैट आ चुका है। थंडर ड्रैगन है ये वाला, लेकिन ये अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक। पता नहीं इसके साथ लगता है थोड़े से और मिशन करने पड़ेंगे फिर जाके ये अनलॉक होगा। फिलहाल तो हमारे पास यही वाला है। ओके कोई बात नहीं, मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ आई है बेम्बो विलेज के मुताबिक। गॉड ऑफ थंडर नया कुछ ये स्टोरी में आया है करेक्टर, तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। गॉड ऑफ थंडर This guardian of the bamboo village keeps a thunder dragon as his pet. Thought the dragon sounds thunderous and intimidating. It is actually surprising, amiable. Okay, god of thunder. Okay, तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट 10th एपिसोड में और अगले स्टेज से हम शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, गोल है 30 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।